जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर का है, जहां पर आज सुबह लगभग 9 बजे बबीता नाम की महिला अपनी बेटी रेखा के साथ पशुओं के लिए खेत से चारा लेने गई थी। मृतका ने अपनी पुत्री को चारा लेकर घर भेज दिया, लेकिन 12 बजे तक बबीता के घर न पहुंचने पर परिजनों को इसकी चिंता हुई। परिजनों व ग्रामीणों की मदद से बबीता को ढूंढने का प्रयास किया तो लगभग 1:30 बजे के आसपास महिला बबीता का शव पास के ही रामकुमार उप छोटे और मुस्तकीम की डॉल पर खड़े पापड़ के पेड़ की जड़ में मृत अवस्था में बबीता का एक कपड़े से बंधा हुआ शव मिला। सूचना पाकर चांदपुर सीओ शुभसूचित नए पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। सीओ शुभसूचित ने बताया कि बबीता अपनी बेटी के साथ चारा लेने गई थी। अपनी बेटी बबीता ने चारा लेकर यह कहकर घर भेज दिया था कि वह थोड़ी देर में आ रही है। मृतका का शव पास के खेत में मिला। आइए सुनते हैं चांदपुर से सीओ साहब की ये पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं वो इस मृतका बबीता के संदर्भ में। हमारे रिपोर्टर नीरज पाल बिजनौर की ये खबर। बबीता पत्नी सर्विस हैं, जाटो हैं। इस वे बताया जा रहा है कि 9:30 बजे घास काटने आए थे अपनी बेटी का, तो कुछ घास काट के बेटी को करीब 11 बजे वापस कर दिए हैं। तो ये कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, जब ये नहीं आए हैं तो लोग इनकी खोजबीन करने लगे। तो ये राम कुमार के और मुस्कीम के खेत हैं गन्ने को, उन्हें बीच से मेड़ गया है। मेड़ के बगल में एक पेड़ है पॉपुलर का, उसी में ये बंधी हुई मिली। इनके गला कस बांध दिया गया था और संभवतः गला कसने से इनकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया देखने में ये हत्या प्रतीत हो रही है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियोग